आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है और स्पेशल क्यों होने वाला वो आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिट आतिश। तो अभी मैं फिर से बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन जो रॉक फिटनेस एसोसिएशन है वहाँ पे मैं फिर से आ चुका हूँ। और तो मैं जितने भी एथलीट है जो बैक स्टेज है मैं उनमें भी दिखाऊँगा। तो वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो मैं एक एथलीट से मिलाना चाहूँगा। तो शिशुपाल कहाँ से आए हैं? कहाँ से? आगरा से। आगरा से। तो थोड़ी दिन अपना जो मेन कॉम्पिटिशन है इसके बाद हम बॉडी लिफ्टिंग भी खेलते हैं। बॉडी बिल्ड। तो इनका भी हम कंडीशन आपको दिखा देते हैं। भाई एक्सक्यूजेगा, कंडीशन आप देख सकते हैं गाइस। आपको ऑल द बेस्ट है। तो कुछ देर में कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला वो देखते हैं। बैक स्टेज रेडी हो रहे हैं। अभी 70-80 केजी जाने वाला है तो कुछ कुछ कवर कर लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से। भाई दो बार बन चुके कुछ बताने। अच्छा ये आप पहले भी खेल चुके क्या कंपटीशन? हाँ। कहाँ पे खेले थे? रॉक जिम से खेले थे। रॉक जिम लग रहा था मिस्टर पटना 26 दिसंबर को जिसमें हम फर्स्ट आए थे, फर्स्ट प्लेस थे। फिर इसके बाद 3 अप्रैल को हुआ था मिस्टर बिहार, उसमें भी फर्स्ट प्लेस आए और इस बार सेकंड। अभी भाई काप लोडिंग करेंगे। अभी बिना काप के आप देख सकते हैं कितना अच्छा मस्कुलैरिटी है इनके बॉडी में। चलिए भाई आपको ऑल द बेस्ट। होगा 20 मिनट में स्टार्ट होगा। चलिए भाई आपको पहले से ऑल द बेस्ट। से हाई इन माई ब्लॉग इधर देखा क्या? आप पहले देखिए इस रूप में 96 प्री शो जजेस प्री शो 96 इज अबाउट 80 केजी ऑल दी टू 106
बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खत्म हो गया है, अब इसके बाद मेन फिजिक का कंपटीशन शुरू होने वाला है कुछ देर में ही। तो बैक स्टेज जो मेन फिजिक एथलीट हैं उनके उनको हम दिखाते हैं उनसे, वो चलिए चलते हैं बैक स्टेज मेन फिजिक एथलीट जो बोला छे पता नहीं कौन हाइट बुलाना है। तो भाई का गोल्ड मेडल आ चुका है, मैन देख सकते हैं आप। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम गोल्ड लाए हैं ब्रो मैन फिजिक्स में। इसके लिए बहुत मेहनत किया इस ट्रॉफी के लिए। कब से तैयारी आप कर रहे थे? 3 साल से कर रहे थे। 3 साल से, मतलब आप कहाँ से आए हैं? हम पटना से ही है। पटना से, उससे पहले आप खेले थे कंपटीशन? हाँ खेले थे 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को भाई ने एक कंपटीशन पहला भी खेला था, उसमें भी फर्स्ट आए थे। अच्छा, उससे पहले भी आप खेले, उसमें भी गोल्ड आया था। और इस बार यहाँ पे आप नहीं, एक और खेले थे 3 अप्रैल को खेले थे मिस्टर के, उसमें भी फर्स्ट प्लेस पे आए। आपका अभी कंटिन्यू गोल्ड आ रहा है, गोल्ड ही आ रहा है। देख सकते भाई का कंडीशन भी है और इनको गोल्ड मेडल यहाँ पे भी आया है। अच्छा। हमने गोल्ड तो पाया पर इतना बड़ा ट्रॉफी पहली बार पा रहे हैं, हम तो देखे कि इमोशनल हो गए थे स्टेज पे। गोल्ड मेडल आया, कैसा आप लोग को लग रहा है? हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक भैया ये भी है, आइएगा आइएगा आप भी। ये लोग के सपोर्ट से ही ऐसा लगा आपको? पहली बात तो ये कि ये बहुत ही ज्यादा मेहनती पर्सन है, ठीक है। तो ये जिम दो टाइम करते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं हमेशा। और ये एक होता है ना कि बॉडी बिल्डर में, मतलब कि फर्स्ट प्राइज आ गया तो थोड़ा ईगो, ज्यादा ईगो आ जाना, वैसा इसमें कोई चीज ऐसा चीज नहीं। और ये हम लोग को ट्रेन भी करते हैं। अच्छा। और मोटिवेट भी करते हैं, और मैंने हमको बहुत मोटिवेशनल फील होता है। कुछ इससे हेवी वेट मारते डाइट बहुत अच्छा फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज भी इनका बहुत अच्छा है। अच्छा, ये नहीं कि आज ये लाइक करना चलो, तो संडे में अगर खुला रहे तो संडे को भी आगे। एक और जिम के बारे में बताना भूल गए थे, आप बताइएगा। मेरे जो गुरु है ना ट्रेनर जी, फिजिक जिम का जो ऑनर है, सबसे ज्यादा उन्हीं का भूमिका है। वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, खेलने का मन भी नहीं रहता तो सपोर्ट करते हैं, खेलो और एक नहीं दो खेलो और आगे खेलते जाओ। अमृत नाम है उनका। कुछ बोलिएगा। बोलेंगे सेशन करने के बाद पूरा ही कर लेंगे। मैं विश्वास से रहा हुआ है स्टेज उतरने के बाद कम से कम 3 लीटर पानी, 2 दिन में बस 1 लीटर पानी पिया, उसमें से 1 लीटर में 150 ग्राम बाकी है।
डोंट प्ले सिक्स इन द फेवर ऑफ प्रभात कुमार. प्रभात कुमार टेक नंबर. And the best you have been. Champions of the different weight category, please be on the dance immediately. All the winners. तो भाई का गोल्ड मेडल लाया तो भाई बताइए कुछ थोड़ा सा क्या बताएं, कैसा लग रहा है आपको? अरे अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकते हैं. उस हिसाब से हमको जो मिलना चाहिए मिला है, ठीक है ना. बाकी तो हम भेज दिए, बाकी हमारे गुरु जी शिवम जी यहीं पे हैं. शिवम सर यही हमको ट्रेन किया है, जो भी मतलब डाइट वगैरह जो भी एवरीथिंग से उसके बाद जो मिला है यहीं की वजह से मिला है. कुछ नहीं, चलिए बस अगला साल और मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे. चलिए ठीक है भाई, थैंक यू. भी चैंपियन ऑफ चैंपियन के लिए सब तैयार हो रहे हैं. जिनका भी गोल्ड मेडल आया है वो सब चैंपियन ऑफ चैंपियन में पार्टिसिपेट होने वाले हैं और उनमें एक विनर चूज होने वाला है. तो इसमें प्रभात भैया भी चैंपियन ऑफ चैंपियन में जाने वाले क्योंकि उनका गोल्ड मेडल आ चुका है बॉडी बिल्डिंग में. तो अब देखते हैं चैंपियन ऑफ चैंपियन कौन बनता है. दोस्तों से यह अनुरोध है, 2 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाइए. प्रभात सारे प्लेयर्स 2 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाइए. हवा वाला करो हमको. अभी तो यहीं पे ब्लॉग होता है खत्म. मिलते हैं नए ब्लॉग में कुछ अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ. आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. लव यू ऑल, बाय.